ओम शांति। तेईस तारीख के बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। रिवाइज डेट है 16/3/95, जिसका मुख्य हेडिंग है सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी संतुष्टता और प्रसन्नता। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को संपन्न आत्मा की निशानी क्या है उसके बारे में बता रहे हैं, जिसमें बाबा ने खास कहा कि बाबा ने सभी बच्चों को सर्व प्राप्तियां एक समान कराई है। बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं कि किसको 10 दिया हो किसको 20 दिया हो। बाबा ने कहा कि सभी बच्चों को सर्व प्राप्तियों का अधिकार दिया है। सभी बच्चे फुल वर्षे के अधिकारी हैं, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा कि बाप दादा देखते हैं कि अधिकारी बच्चों ने अपने में प्राप्तियों का अधिकार कितना प्राप्त किया है। बाबा ने तो सबको दिया, बाप को सर्वशक्तिमान व संपन्न सागर कहते हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि बच्चों ने उन प्राप्तियों को कहां तक अपना बनाया है। अपना कब बनेगा? बाबा ने कहा कि जब उसका नशा और खुशी रहे कि यह मेरा खजाना है। तो जितना हम बार बार चिंतन में लाएंगे कि यह मेरा खजाना है, तो वो अपने आप उसका नशा हमें चढ़ेगा। फिर बाबा ने कहा कि जैसे जो प्रसन्न चित आत्माएं हैं, तो कोई प्रश्न चित उनके सामने आएगा तो भी उनको अपने अनुभव के आधार से उनके प्रश्न को भी समाप्त कर देंगे। नहीं तो बाबा ने कहा कि होता क्या है कि कोई प्रश्न वाली आत्मा है और वो जैसे ही कुछ कहती है कि ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम भी अपने अनुभव के आधार से हम कह देते हैं कि हाँ ये तो नहीं होना चाहिए ऐसा हो रहा है। तो आज बाबा कहते कि आपने उसको टेका तो दिया ना। मतलब बाबा का भाव ये है कि फिर एक प्रश्न से दूसरा प्रश्न वाला भी तैयार हो गया। तो बाबा ने कहा ऐसे 1, 2, 3, 4, तो ये प्रश्न का वायुमंडल जब बन जाता है तो प्रसन्नता वहां से समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज सर्व प्राप्तियां कराने वाले बाप दादा अपने चारों ओर के प्राप्ति संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। सर्व प्राप्तियों के दाता संपन्न और संपूर्ण बाप के बच्चे हैं, तो हर एक बच्चे को बाप ने सर्व प्राप्तियों का वर्षा दिया है। ऐसे नहीं किसको 10 दिया हो किसको 20 दिया हो, सभी बच्चों को सर्व प्राप्तियों का अधिकार दिया है। सभी बच्चे फुल वर्षे के अधिकारी हैं। तो बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक अधिकारी बच्चों ने अपने में प्राप्तियों का अधिकार कितना प्राप्त किया है। बाप ने सर्व दिया है, बाप को सर्व शक्तिमान व संपन्न सागर कहते हैं, लेकिन बच्चों ने उन प्राप्तियों को कहां तक अपना बनाया है। बाप का दिया हुआ वर्षा जब अपना बना लेते हैं तो जितना अपना बनाते हैं उतना नशा और खुशी रहती है। मेरा खजाना है दिया बाप ने, लेकिन अपने में धारण कर अपना बना लिया, तो क्या देखा कि अपना बनाने में नंबर वार हो गए। बाप ने नंबर नहीं बनाए लेकिन अपने अपने धारणा की यथाशक्ति ने नंबर वार बना दिया। संपूर्ण अधिकार व सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा जो सदा यथाशक्ति ने बाप ने नंबर नहीं बनाए हैं लेकिन अपने अपने धारणा की यथाशक्ति ने नंबर वार बना दिया है। संपूर्ण अधिकार व सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा जो सदा अमृत वेले से रात तक प्राप्तियों के नशे व अनुभव में रहती है, उनकी निशानी क्या होगी। प्राप्तियों की निशानी है
संतुष्टता। बाबा के महावाक्य सुनते हम अपने आप में भी चेकिंग करते जाएं, वो सदा संतुष्ट मणि बन दूसरों को भी संतुष्टता की झलक का वाइब्रेशन फैलाते रहते, उनका चेहरा सदा प्रसन्न चित दिखाई देगा। प्रसन्न चित अर्थात सर्व प्रश्न चित से न्यारा, कोई प्रश्न नहीं होगा, प्रसन्न होगा। क्यों, क्या, कैसे, यह सब समाप्त। तो ऐसे प्रसन्न चित बने हो, चेक किया अपने आप में अंदर कि अभी भी कभी कभी कोई प्रश्न उठता है कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे होगा, कब होगा। ये प्रश्न चाहे मन में चाहे दूसरों से उठता है। प्रश्न चित हो या प्रसन्न चित हो, चेक करेंगे अपने आप में, या कभी प्रश्न चित कभी प्रसन्न चित क्या है। वैसे गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये किसका, किन ब्राह्मणों का गायन है, आपका है या दूसरे आने वाले हैं? आप ही हो। हम सबको इतना अंदर से नशा होना चाहिए, भले वो लौकिक वाले ब्राह्मण भी हैं, पर ये जो बात है ये हमारे लिए है कि अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। तो जब कोई अप्राप्ति होती है ना, अप्राप्ति असंतुष्टता का कारण है। अपना अनुभव देखो, कभी भी मन असंतुष्ट होता है तो कारण क्या होता है, कोई न कोई अप्राप्ति का अनुभव करते हो तब असंतुष्टता होती है। गायन तो है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ये आपका गायन है या विनाश के समय का, या कोई कोई सोचते हैं ये सतयुग का गायन हो सकता है। विनाश के समय संपन्न हो जाएंगे कि अभी होना है। जो समझते हैं कि हम सदा प्रसन्न चित रहते हैं, कभी भी किसी भी बात में, चाहे अपने संबंध में चाहे दूसरों के संबंध में भी प्रश्न नहीं उठता, सदा संतुष्ट रहते हैं, ऐसी संतुष्ट आत्माएं कितनी होंगी? बहुत है। अच्छा, जो समझते हैं सदा प्रसन्न रहते हैं, चाहे माया कितना भी हिलाए, लेकिन हम नहीं हिलते, माया को हिला देते हैं। माया नमस्कार करती है, हम अंगद हैं। माया हार जाती लेकिन हम विजयी हैं। जो ऐसे हैं वो हाथ उठाओ। सदा शब्द याद रखना, कभी कभी वाले नहीं, बहुत थोड़े हैं। आप सबका हाथ बाबा के वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। कोटों में कोई है, क्वेश्चन मार्क उठता तो है ना। क्वेश्चन मार्क डिक्शनरी से निकल जाए, हलचल भी ना हो। कंप्यूटर चलाते हो तो उसमें आता है ना प्रथमेश भाई। आपके बुद्धि रूपी कंप्यूटर में सदा फुल स्टॉप की मात्रा आए, क्वेश्चन मार्क आश्चर्य की मात्रा खत्म। इसको कहा जाता है सदा प्रसन्न चित, जो बाबा हमेशा कहते हैं तीन बिंदु को याद रखो, आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु और ड्रामा बिंदु। ऐसा प्रसन्न चित औरों का भी क्वेश्चन मार्क खत्म कर देता है। नहीं तो स्वयं में अगर क्वेश्चन मार्क है तो कोई भी बात सुनेंगे, देखेंगे, कहेंगे हाँ ये तो होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है। मैं भी समझती हूँ होना नहीं चाहिए, मिक्स हो जाएंगे, उसके प्रश्न को और अंडरलाइन कर देंगे। टेका तो दे दिया ना कि हाँ ये ठीक नहीं है, लेकिन होता है। और बाबा ने एक मुरली में कहा है कि अगर आपने टेका दिया तो आप भी उस बात के हिस्सेदार बन गए। इसलिए जब भी हम किसी की बात सुनते हैं, अगर हमें योग्य नहीं लगता है और हमें लगता है इसमें करेक्शन की आवश्यकता है, तो हम जरूर उनको उस रीति से बताएं
नहीं तो उनके साथ हम भी उसमें हिस्सेदार बन जाएंगे। तो प्रसन्नचित उसको नहीं किया, लेकिन और ही प्रश्न को बढ़ा लिया, एडिशन हो गई। वैसे एक का क्वेश्चन था, अभी दो का हो गया, दो से चार का हो जाएगा। तो प्रसन्नचित वाइब्रेशन के बजाय प्रश्नचित का वाइब्रेशन जल्दी फैलता है। हाँ ऐसा है, साथ दे दिया, आश्चर्य की मात्रा आ गई ना। हाँ तो फुल स्टॉप तो नहीं हुआ ना, चाहे अपने प्रति भी, ये मेरे से होना नहीं चाहिए, ये मेरे को मिलना चाहिए, ये दूसरे को नहीं होना चाहिए, तो ये चाहिए चाहिए प्रश्नचित बना देती है, प्रसन्नचित नहीं। तो सभी का लक्ष्य क्या है, क्या लक्ष्य है आप सबका? संतुष्ट प्रसन्नचित। जिसका प्रसन्नचित होता है उसके मन बुद्धि के व्यर्थ की गति फास्ट नहीं होगी, सदा निर्मल निर्माण। निर्माण होने के कारण सभी को अपने प्रसन्नचित की छाया में शीतलता देंगे। कैसा भी आग समान जला हुआ बहुत गर्म दिमाग का हो, लेकिन प्रसन्नचित के वाइब्रेशन की छाया में शीतल हो जाएगा। कमजोरी क्या आती है? वैसे ठीक चलते हो, अपने रीति से अच्छे चलते हो, लेकिन जब संबंध संपर्क में आते हो तो दूसरे की कमजोरी देखते सुनते वर्णन करते प्रभाव में आ जाते हो, फिर कहते हो कि इसने किया ना, इसीलिए मेरे से भी हो गया, इसने कहा तभी मैंने कहा, उसने 50 बार कहा मैंने 1 बार कहा, फिर बाप के आगे भी बहुत मीठी मीठी बातें रखते हैं, कहते हैं बाबा आप समझो ना, इतना सहन कहाँ तक करेंगे, फिर भी पुरुषार्थी है ना, तो थोड़ा तो आएगा ना, बाप को भी समझाने लगते हैं। यहाँ जो निमित्त है उनको बहुत कथाएं सुनाते हैं, ऐसा था ना, ऐसा था ना, ऐसा था ना, ऐसे ऐसे की माला जपते हैं। एक बात पूछो तो उसका इतना कारण बताएंगे अपने आप को जैसे कि सिद्ध करने के लिए। तो आज बाबा वही कह रहे हैं कि ऐसा था ऐसा था, इसकी क्या करते हैं, माला जपते हैं। बाप दादा सदा ही इशारा देते हैं कि ऐसी बातें 2 अक्षर में वर्णन करो, लंबा वर्णन नहीं करो, क्योंकि ये व्यर्थ बातें बहुत चटपटी होती हैं, मजेदार लगती हैं। जैसे खाने में भी खट्टी मीठी चीज हो तो अच्छी लगेगी ना, और फीकी सादी हो तो कहेंगे ये तो खाते ही रहते हैं। एक बार कहीं प्रोग्राम था तो उसमें उन्होंने ऐसे एग्जाम लिया कि बहुत वैरायटी था और बाजू में एक खिचड़ी भी रखा था, तो देखा कि सबने सब वैरायटी वाली चीजें तो ली पर खिचड़ी सबने सोच करके छोड़ दिया कि ये तो रोज खाते हैं। तो उन्होंने कहा देखो जिसने ली वो तो पास हो गए और जिसने नहीं ली वो सब फेल हो गए। तो ऐसे बाबा कहते कि बातें भी होती है। तो व्यर्थ बातें, व्यर्थ चिंतन सुनना बोलना और करना, इसमें चलते चलते इंटरेस्ट बढ़ जाता है। फिर सोचते हैं मैं तो नहीं चाहती थी लेकिन उसने सुनाया ना, तो मैंने कहा कि अच्छा उसका सुन ले, दिल खाली कर दे। उसकी तो दिल खाली हुई और आपने दिल भर ली। वो थोड़ा थोड़ा दिल में भरते भरते फिर संस्कार बन जाता है, और जब संस्कार बन जाता है तो महसूस ही नहीं होता कि ये रॉन्ग है। कितनी सूक्ष्म बात बाबा हम सबको समझा रहे हैं। ये व्यर्थ संस्कार बुद्धि के निर्णय को खत्म कर देता है, इसलिए सबसे सहज सदा संतुष्ट रहने की विधि है सदा अपने सामने कोई न कोई विशेष प्राप्ति को रखो, क्योंकि प्राप्ति भूलती नहीं है। ज्ञान की पॉइंट्स भूल सकती है लेकिन कोई भी प्राप्ति भूलती नहीं है। बाप से क्या क्या मिला,
कितना मिला, वैरायटी पसंद आती है ना, एक जैसा पसंद नहीं होता। तो आप अपने प्राप्तियों को देखो, ज्ञान के खजाने की प्राप्ति कितनी है, योग से शक्तियों की प्राप्ति कितनी है, दिव्य गुणों की प्राप्तियां कितनी है, प्रैक्टिकल नशे में खुशी में रहने की प्राप्तियां कितनी है, बहुत लिस्ट है ना। कई बार बाबा कहते हैं कि प्राप्तियों की लिस्ट निकालो, तो जब वो लिस्ट निकालेंगे तो अपने आप समझ में आएगा कि बाबा से हमें कितना कुछ मिल रहा है, तो हमारी बुद्धि फिर और कहीं जाएगी ही नहीं। पहले भी सुनाया था कि कभी कोई गुण की प्राप्ति को सामने रखते हुए संतुष्ट रहो, क्योंकि एक गुण भी अपनाया तो जैसे विकारों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। अगर बाहर के रूप में इमर्ज रीति से क्रोध है, लेकिन आंतरिक चेक करो तो क्रोध के साथ लोभ अहंकार होता ही है, ये सब आपस में साथी है। कोई इमर्ज रूप में होते हैं, कोई मर्ज रूप में होते हैं, तो गुण भी जो है उन्हों का भी आपस में संबंध है। इमर्ज एक गुण को रखो, लेकिन दूसरे गुण भी उनके साथ ही मर्ज रूप में होते हैं। जैसे अभी अधिक मास में हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, एक पॉइंट धारण करने का, तो एक पॉइंट धारण कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बाकी चीजों पर भी ध्यान जा रहा है, अटेंशन जा रहा है, तो एक से अनेक अपने आप हो जाते हैं। तो रोज कोई ना कोई प्राप्ति स्वरूप का अनुभव अवश्य करो। अगर प्राप्ति इमर्ज रूप में होगी तो प्राप्ति के आगे अप्राप्ति खत्म हो जाएगी और सदा संतुष्ट रहेंगे। वैसे भी देखो, दुनिया में भी मुख्य प्राप्ति सभी क्या चाहते हैं, हर एक चाहता है कि अपना नाम अच्छा हो, दूसरा मान और तीसरा शान। नाम मान शान ये प्राप्त करना चाहते हैं। आप भी क्या चाहते हो, आप भी तो यही चाहते हो ना, हद का नहीं बेहद का। तो दुनिया वाले तो हद के नाम के पिछाड़ी दौड़ते हैं, पर आपका नाम विश्व में जितना ऊंचा है उतना और किसका है। तो आप अपने नाम को देखो, सबसे नाम की विशेषता ये है कि आपका नाम कौन जपता है, क्या कहेंगे, स्वयं भगवान आपका नाम जपता है। तो इससे बड़ा नाम क्या होगा। आपके नाम से अभी लास्ट जन्म में भी अनेक आत्माएं अपना शरीर निर्वाह चला रही है। आप ब्राह्मण हो ना, तो ब्राह्मणों के नाम से आज भी नामधारी ब्राह्मण कितना कमा रहे हैं। आज लौकिक में भी चाहे कोई शुभ कार्य हो, किसी का जन्म हो, किसी की मृत्यु हो, घर की ओपनिंग हो, तो सब में किसको बुलाते हैं, ब्राह्मणों को ही बुलाते हैं। अभी तक नामधारी ब्राह्मण भी कितना ऊंचे गाए जाते हैं, तो आपके नाम की कितनी महिमा है। इतना श्रेष्ठ नाम आपका हो गया, इसीलिए हद के नाम के पीछे नहीं जाओ। मेरा नाम तो कभी किसी में लेते ही नहीं है, मेरा नाम सदा पीछे ही रहता है। सेवा मैं करती हूँ, नाम दूसरे का हो जाता है। तो हद के नाम के पीछे नहीं जाओ। बाप के दिल में आपका नाम सदा ही श्रेष्ठ है। जब बाप के दिल में नाम हो गया तो कोई सेवा में या कोई प्रोग्राम में या कोई भी बातों में आपका नाम नहीं भी आया तो क्या हर्जा, बाप के पास तो है ना। जैसे भक्ति मार्ग में हनुमान का चित्र दिखाते हैं ना, तो उसके दिल में क्या था, राम था। और बाप के दिल में क्या है बताओ, बच्चे। तो बच्चों में आप हो या नहीं हो, क्या समझते हैं, बाबा की लिस्ट में हमारा नाम है या नहीं है। बाबा ने हम सबको कितनी करोड़ों आत्माओं में से चुना है,
तो सदा हम सबको इसका नशा होना चाहिए। तो सभी का नाम है, देखा है पक्का, कभी मिस हो गया हो तो आप सभी का नाम है। तो और नाम के पीछे क्यों पढ़ते हो? क्योंकि मेजॉरिटी यही नाम मान शान गिराता भी है और यही नाम मान शान नशा भी चढ़ाता है। तो प्राप्ति के रूप में देखो, अगर मानो कोई कारण से आपका नाम गुप्त है और आप समझते हो कि मेरा नाम होना चाहिए, यथार्थ है, फिर भी अगर किसी आत्मा से हिसाब किताब के कारण या उसके संस्कार के कारण आपका नाम नहीं होता, आप राइट हो वो रॉन्ग है, फिर भी उसका नाम होता है आपका नहीं, तो विजय माला में आपका नाम निश्चित है। आज कितनी बाबा अथॉरिटी से हम बच्चों को कह रहे हैं कि बाबा के दिल में आपका नाम है तो विजय माला में भी आपका नाम निश्चित है। तो अभी सब निश्चिंत हो गए ना, इसीलिए इसकी भी परवाह नहीं करो। इस रूप में माया ज्यादा आती है, इसलिए अभी गलती से नाम मिस हो भी गया, कोई हर्जा नहीं, लेकिन विजय माला में आपका नाम मिस नहीं हो सकता। कितनी इंपॉर्टेंट बात बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। और ये भी हिसाब है कि जितना हम सेवा करते हैं और समझो हमारा नाम नहीं लिया गया, नहीं अनाउंस हुआ, तो उतना हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनता है। जैसे बाबा भी सदा गुप्त रह करके सेवा करते थे, पहले आपका नाम होगा तो अपने नाम की महिमा याद रखो कि मेरा नाम बाप के दिल पर है, विजय माला में अंत तक मेरा नाम सेवा कर रहा है। और आपका मान कितना है, भगवान ने भी आपको अपने से आगे रखा है, पहले बच्चे तो स्वयं बाप ने मान दे दिया, कितना आपका मान है उसका प्रूफ देखो कि आपके जड़ चित्रों का भी लास्ट जन्म तक कितना मान है, चाहे जाने नहीं जाने, लेकिन कोई भी देवी देवता का चित्र होगा तो कितने मान से उसको देखते हैं। सबसे श्रेष्ठ मान अब तक आपके चित्रों का भी है, ये प्रूफ है। जैसे कहीं मंदिर के सामने से गुजरते हैं तो मंदिर के अंदर ना भी जाए तो भी बाहर से भी नमन जरूर करेंगे, झुकेंगे जरूर। तो ये किसका यादगार है? तो जब ऐसी ऐसी बातें हम सोचते हैं तो हमें कितना नशा चढ़ता है कि बाबा ने हम सबको कितना ऊंचा, कितना श्रेष्ठ, कितना महान बनाया हुआ है। अभी तो प्रैक्टिकल हम सभी देख रहे हैं, जब आपके चित्र ही इतने माननीय पूजनीय है तो जिसका मान रखा जाता है उसको पूजनीय माना जाता है। हमेशा कहते हैं ना, यह हमारे पूजनीय है, पूज्य है। तो प्रैक्टिकल प्रूफ है कि आपके चित्रों का भी मान है, तो चैतन्य में है तब भी चित्रों का मान है। अगर चैतन्य में मान नहीं होता तो चित्रों को कैसे मिलता? बाप तो सदा कहते हैं पहले बच्चे, बच्चे डबल पूजे जाते हैं, बाप सिंगल। बाबा के साथ भी हमारी पूजा होती है और देवी देवताओं के रूप में भी हमारी पूजा होती है, और बाबा की तो सिर्फ शिवलिंग के रूप में होती है। तो आपका मान बाप से ज्यादा हुआ ना, इतना श्रेष्ठ मान मिल गया। तो जब भी कोई हद के मान की बात आए तो सोचना कि आत्माओं का मान क्या करेगा जब परम आत्मा का मान मिल गया। आज पक्का करेंगे ना सभी अपने आप में कि अभी हमें किसी से भी मान शान की आवश्यकता नहीं, स्वयं भगवान ने हम सबको इतना मान दिया है ना, इतना हम सबको महान बनाया है, इतना पूजनीय बनाया है, तो अभी हद के मान शान की इच्छा बिल्कुल नहीं। ऐसे नहीं सोचो कि हम इतना कुछ करते हैं फिर भी मान नहीं देते हैं, पूछते ही नहीं है, ये सोचना व्यर्थ है, क्योंकि
जितना आप हद की मान के पीछे दौड़ लगाएंगे ना, तो यह हद की कोई भी चीज परछाई के समान है। परछाई के पीछे पड़ने से कभी परछाई मिलती है कि और आगे बढ़ती जाती है। ये तो हद का मान, हद का नाम, ये परछाई है। ये माया के धूप में दिखाई देती है लेकिन है कुछ भी नहीं। तो नाम भी आपको मिल गया, मान भी आपको मिल गया, और शान कितना है? अपने एक एक शान को याद करो। और किसने शान में बिठाया है? बाप ने बिठाया है। शान अर्थात बाबा ने हम बच्चों को समय प्रति समय जो स्वमान दिए हैं, जो टाइटल्स दिए हैं, तो जब हम उसकी स्मृति में रहते हैं तो क्या महसूसता होती है कि कितनी ऊंची शान बाबा ने हम बच्चों को दी है। बाप के दिल तख्त नशीन है, सबसे बड़े ते बड़ी शान राज्य पद है ना। तो आपको ताज तख्त मिल गया है ना? जो परम आत्मा के तख्त नशीन है, इससे बड़ी शान क्या है? कभी कभी निर्णय करने में एक छोटी सी गलती कर देते हो। जो रियल शान है, रूहानी शान है, वो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं देगा। तो कभी कभी क्या करते हो? होता अभिमान है, लेकिन समझते हो कि ये शान तो अपना रखना चाहिए, इतना शान तो रखना चाहिए ना। शान में रहना अच्छा होता है, लेकिन शान है या अभिमान है, उसको अच्छी तरह से चेक करो। कभी कभी अभिमान को शान समझ लेते हैं और फिर निर्माण नहीं होते। बाबा हम सबको शिक्षा दे रहे हैं कि हमें चेक करना है। वास्तव में होता अभिमान है और हम क्या कहते हैं कि नहीं शान चाहिए। तो शान क्यों चाहिए? अगर हम उसी समय अपनी चेकिंग करें तो अंदर का वो अभिमान जो होता है वो हमें जैसे कि प्रेरित करता है। बोल भी वैसे ही निकलेंगे। अभिमान वाला व्यक्ति बोलता भी है तो भी समझ में आता है, कुछ कार्य व्यवहार करेगा तो भी समझ में आएगा। तो इसीलिए आज बाबा सूक्ष्मता से, आज संडे का दिन है तो हम अच्छी तरह से अपनी चेकिंग कर सकते हैं, अपने आप को समय दे सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि चेक करो। जैसे बीमारी में भी देखा जाता है, कई बार दुख कहीं और रहा होता है और उसका कारण कुछ और निकलता है। ऐसे हमारी कर्म इंद्रियों से जो भी भाव प्रकट होते हैं उसका अंदर सूक्ष्म कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो अगर हम चेक करें तो हमें पता चलता है और फिर हम उसको ज्ञान के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। कभी कभी अभिमान को शान समझ लेते हैं और फिर निर्माण नहीं होते हैं। आप अपने शान को रियल समझते हो लेकिन दूसरे समझते हैं कि ये अभिमान है। तो थोड़ा भी कुछ कह देंगे तो आपको अपमान लगेगा। अभिमान वाले को अपमान बहुत जल्दी फील होगा ना, ये निशानी बाबा बता रहे हैं। थोड़ा भी किसने हंसी में भी कुछ कह दिया तो अपमान लगेगा, ये अभिमान की निशानी है। चेक कर लिया, अगर किसी ने कुछ कहा और तुरंत अपमान की फीलिंग आई तो बाबा कहते हैं इसका मतलब कि अभिमान है, ये अभिमान की निशानी है। सोचेंगे नहीं मैं तो ऐसा हूं नहीं, ऐसे थोड़े ही कहना चाहिए। तो निर्णय ठीक करो, उस समय निर्णय में कमी कर लेते हो, यथार्थ के बजाय मिक्स होता है और आप उसको यथार्थ समझ लेते हो। तो कहने में आता है कि ये है बहुत अच्छे, लेकिन बोल चाल उठना बैठना जो है ना वो अभिमान का लगता है। ये भी किसी ने कहा तो अपमान की फीलिंग आ जाएगी। कई बार कोई कहते हैं ना कि नहीं नहीं आजकल मुझे आपको देख करके ऐसे लग रहा है,
तो इतना भी कोई कहेंगे तो उसकी फीलिंग आ जाती है, तो हमें चेक करना है। तो स्वमान और अभिमान के अंतर को भी चेक करो, स्वमान कितना बड़ा है, शान कितनी बड़ी है। उस बेहद के नाम मान और शान को सदा इमर्ज रखो, मर्ज नहीं इमर्ज करो। जैसे शुरू शुरू में हम सब ने देखा कि ब्रह्मा बाबा को लोग क्या क्या कहते थे, कितनी ग्लानी करते थे, कितनी गाली देते थे, लेकिन फिर भी ब्रह्मा बाबा की अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बाबा अपनी मस्ती में मस्त, उन शिव बाबा ने जो शिक्षाएं दी उसको स्वयं में धारण करते बाबा सदा ही आगे बढ़ते गए। क्योंकि अगर उस समय बाबा उन सब बातों के प्रभाव में आ जाते तो स्वयं का पुरुषार्थ पीछे रह जाता था। तो बाबा हमेशा समझते थे कि ये जो भी बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ना इनको ज्ञान नहीं है, इनको परमात्मा की नॉलेज नहीं है, इसलिए ये कर रहे हैं। जिस दिन ये इस बात को समझ लेंगे, जान लेंगे, परमात्मा को पहचान लेंगे, तो उस दिन से ये भी ऐसा सोचना, बोलना और करना बंद कर देंगे। और हुआ भी वही, तो इसलिए ये चेकिंग बहुत जरूरी है। जैसे याद में कभी कभी अलबेलापन आ जाता है तो कहते हैं हम है ही बाप के, याद क्या करे, लेकिन इमर्ज संकल्प से प्राप्ति का अनुभव होता है। ऐसे ही हर धारणा में अलर्ट रहो, अलबेले नहीं बनो, क्योंकि समय समीप आ रहा है। और समय समीप क्या सूचना दे रहा है, समान बनो, संपन्न बनो। अभी बाबा हम सब बच्चों को बार बार यही इशारा दे रहे हैं कि बच्चे बाबा के समान बनो, संपन्न बनो, क्योंकि बाबा हम सब के लिए रुके हुए हैं, हम सबको साथ लेकर जाना चाहते हैं। तो साथ कब जा सकेंगे, जो समान होता है वही साथ जाता है। जैसे कई बार कहीं जाना हो, एक तैयार हो गया हो, दूसरा थोड़ा रेडी होना बाकी हो, तो कहते हैं अच्छा ठीक है और मैं 5 मिनट रुकता हूँ, आप तैयार हो जाओ। तो ऐसे ही हमें भी बाबा के समान बनना है, क्योंकि बाबा हम सबका वतन में इंतजार कर रहे हैं। अगर हम संपन्न नहीं बनेंगे तो फिर बाबा चला जाएगा और हम रह जाएंगे, तो पीछे पीछे आना पड़ेगा। चलेगा, मंजूर है पीछे पीछे आना, कि साथ चलना मंजूर है, साथ चलना मंजूर है। तो समय की चैलेंज को देखो और सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। अच्छा, चारों ओर के सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माई सदा संतुष्ट, सदा प्रसन्न चित रहने वाली श्रेष्ठ आत्माई सदा स्वयं को श्रेष्ठ नाम मान शान के अधिकारी अनुभव करने वाली समीप आत्माई सदा सर्व को संतुष्टता के वाइब्रेशन की लाइट माइट देने वाले प्रसन्न चित आत्माओं को बाप दादा का या प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को या प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है हर सेकेंड स्वयं को भरपूर अनुभव कर, हर सेकेंड स्वयं को भरपूर अनुभव कर सदा सेफ रहने वाले स्मृति सुसमर्थ स्वरूप भव। हर सेकेंड स्वयं को भरपूर अनुभव कर सदा सेफ रहने वाले स्मृति सुसमर्थ स्वरूप भव। विस्तार है, बाप दादा द्वारा संगम युग पर जो भी खजाने मिले हैं उनसे स्वयं को सदा भरपूर रखो। जितना भरपूर उतना हलचल नहीं, भरपूर चीज में दूसरी कोई चीज आ नहीं सकती। ऐसे नहीं कह सकते
की सहन शक्ति व शांति की शक्ति नहीं है। थोड़ा क्रोध या आवेश आ जाता है। कोई दुश्मन जबरदस्ती तब आता है जब अलबेलापन है या डबल लॉक नहीं है। याद और सेवा का डबल लॉक लगा दो। स्मृति स्वरूप रहो तो समर्थ बन सदा ही सेफ रहेंगे। स्लोगन है, विश्व का नव निर्माण करने के लिए अपनी स्थिति निर्माण चित बनाओ। विश्व का नव निर्माण करने के लिए अपनी स्थिति निर्माण चित बनाओ। अव्यक्त इशारे की आज की पॉइंट सुनेंगे। संस्कारों में निर्माण और निर्माण दोनों विशेषताएं मालिकपन की निशानी है। साथ साथ सर्व आत्माओं के संपर्क में आना, स्नेही बनना, सर्व के दिलों के स्नेह की आशीर्वाद अर्थात शुभ भावना सबके अंदर से उस आत्मा के प्रति निकले, चाहे जाने चाहे न जाने, दूर का संबंध व संपर्क हो, लेकिन जो भी देखे वह स्नेह के कारण ऐसे ही अनुभव करे कि यह हमारा है। अच्छा, ओम शांति। तो सुना हम सभी ने प्यारे बाबा का महावाक्य। बाबा ने कितनी सूक्ष्म आज चेकिंग की बात बताई है। बाबा ने विशेष तौर पर जो दो बातें बताई वो हमें चेक करना है कि बाबा ने तो हमें सर्व प्राप्तियां कराई है ना, सबको एक समान दिया हुआ है, लेकिन हम उसको कितना अपना मानते हैं, कितना अनुभव करते हैं। और फिर बाबा ने कहा कि जो आत्मा ना सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वो सदा संतुष्ट रहेगी, कभी भी हमारे में प्रश्न उत्पन्न ना हो। कोई और प्रश्न वाला हमारे सामने आए हम उसको अपने अनुभव से प्रसन्न चित बना दे। और फिर बाबा ने खास जो आज हम सबको इशारा दिया कि बच्चे नाम मान शान इनके पीछे नहीं जाना है, क्योंकि बाबा ने ऑलरेडी हम सबका नाम मान शान बहुत ऊंचा उठाया है, बहुत आगे बढ़ाया है। बाबा ने कहा कि आज ब्राह्मण आत्माएं भी आपके नाम से अपना जीवन निर्वाह कर रही है। तो कितनी ऊंची डिग्री, बाबा ने कितना नशा चढ़ा कि स्वयं भगवान आपका नाम लेता है। तो फिर अगर हमारा नाम, भले हम कोई सेवा का कार्य करते हैं, हमारा नाम कोई नहीं लेता, हमारा नाम पीछे रह जाता है, तो भी हमें इन सब बातों की चिंता किए बिना अपनी अवस्था को श्रेष्ठ रखना है। अच्छा, ओम शांति। बाकी गुरुवार के दिन दीदी जी के निमित्त विशेष भोग लगेगा, तो कोई भी मिस नहीं करेंगे। और आज शाम का क्लास 5:30 से 6:30 रहेगा, रात्रि क्लास नहीं रहेगा। ओम शांति। दाता तेरी याद में बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगूं फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगूं फरियाद में। शांति। बेहद रूहानी सेवा के श्रृंखला में मेरा रोड विनय नगर में खुलने जा रहा है। प्यारे बाबा का नया प्यारा सेवा केंद्र
तो आइए मीठे बाबा को साथ लेकर कुछ पल साइलेंस के बल से अपने शुद्ध पावरफुल सकाश द्वारा इस सेवा स्थान को निर्विघ्न बनाकर बेहद सेवाओं के लिए धरनी तैयार करें। बाबा को साथ लेकर पहुंच जाएं सेवा स्थान पर। अपनी शक्तिशाली शुभ भावना की किरणें फैलाएं। कल्प पहले अनुसार बाबा के कई नए नए बच्चे इस स्थान पर आकर अपना ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। सेवा स्थान पर आते ही सबको सच्ची शांति और खुशी की अनुभूति हो रही है। ये सेवा स्थान लाइट हाउस माइट हाउस बन गया है। इस कार्य में सर्व आत्माएं सहयोगी बन रही हैं। बहुत सुंदर सुचारू रूप से ईश्वरीय सेवा का कार्य आगे बढ़ रहा है। ओम शांति। सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का, कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा